दोस्तों, हमारे साथ ऐसे कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फटी है, ऐसे मेरे साथ क्यों होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं। हमारी भाग्य में सब खराब ही लिखी गई है, और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे। कितनी बार हमने बहुत सी चीज़ बस यह कहकर छोड़ दिया है कि मेरे किस्मत में है ही नहीं, तो मुझे कैसे मिलेगा। इससे बोलकर हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। हम तो अपने आप को यह तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष नहीं था, मैं और करता भी तो क्या करता, मेरा जीवन मेरे बुरे किस्मत की वजह से बर्बाद हो गया है। अगर ऐसी विचार आपके मन में भी आता है तो एक कहानी आपके लिए है, जरा ध्यान से सुनना। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ वो खराब हो जाता है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी भी फटी किस्मत को सुधार सकते हो। महात्मा बुद्ध जी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, ये फटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे किस्मत फटी हुई है। उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ तो नहीं हो पाता, तो मेरी किस्मत फटी ही हुई। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद, फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की, मैंने जिससे सच्ची मन से प्रेम किया, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर ली। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, तो जिस मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया था वो मेरा व्यापार ही हड़प बैठा है। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं, क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ तुम्हारी फटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसको मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वो तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वो खराब हो चुकी है। उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी है, तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, मेरे बनी बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी मरे नहीं, मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं लग रही, सब कुछ सही लगा। अगर किस्मत खराब होती तो तुम्हारा अंग भंग हो जाता है या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फटी हुई है। व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे गुरुदेव, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, लोग रोज़ मेरा घर धमकाने आते हैं, जिससे मैंने कर्ज लिया है वो मुझे मारने तक की धमकी देते हैं, मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं, तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है। महात्मा बुद्ध ने विचारपूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप नहीं समझ रहे। तब महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, ये देखो इस बहती नदी को, इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा दूँ तो तुम मुझे बताओ ये पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पता तो नदी के बहने के साथ नदी के दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, अब बताओ पत्ता की किस्मत किसके हाथ में है। व्यक्ति ने कहा, इस पत्ता की किस्मत नदी के हाथ में है, वो जहाँ चाहे इसे ले जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में है, आप जहाँ चाहें इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ता की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, ये सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक ये पेड़ पर था ये हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब वे पेड़ से अलग हो गया है, अब बताओ इस पत्ता की किस्मत अच्छी है या बुरी। व्यक्ति ने कहा,
अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी आपने पेड़ से अलग हो गया है और ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी जीवित है। और लाभ ये है कि अभी ये पत्ता वो सब कुछ कर सकता है जो पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वो पत्ता हवा में छोड़ दिया, वो उड़कर दूर जाने लगा। तब बुद्ध ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर वो कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वो पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखो अब ये पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद लेगा, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पत्ता कितनी ही छोटी छोटी जीवन को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वो अपने नए अवसर को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती है, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिया से देखो। उस आदमी ने वहाँ खड़ी होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरी अर्थ को समझना शुरू किया। वो महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपनी दृष्टिकोण को सीमित कर दिया। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता, जिसके कारण मैं अपने में मौजूद अवसर को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरे फटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। दोस्तों, एक कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारी हाथ में ही होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी शिक्षाप्रद कहानी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।